हेलो। हेलो हाँ बोलिए, कौन कहाँ से? गुरुजी, चरण स्पर्श दीपक विश्वकर्मा बोल रहा था सर, जी कहाँ से? जबलपुर जिले से सर, ग्राम पौड़ी कला जी विश्वकर्मा जी, तारीख समय बताइए, किसके बारे में जानना चाहते हैं, सर। बिटिया के बारे में जानना चाह क्या रहा नाम हूँ, है? उसका धान्या विश्वकर्मा सर, 3/9/2023 में जन्म हुआ है, 10:12 में पीएम। तीन नौ 2023, यस सर, समय क्या है? 10:12 PM 10:12 दोपहर। कहाँ का जन्म है? जबलपुर का। अच्छा, जबलपुर का सर, हॉस्पिटल है, एल्गिन हॉस्पिटल का। धान्या नाम है बेटी का। यस और ये कुंडली अगर सही है तो आपके मकान के बाहर सीधे हाथ तरफ कुछ दूरी पर एक टेंट हाउस की दुकान है, साउंड सिस्टम वगैरह जहां बजते रहते हैं, टेंट की दुकान, ऐसा है? टेंट की दुकान नहीं है लेकिन साउंड बजते रहते हैं। साउंड बजते हैं, ठीक है। हाँ सर, 10:10 डाला। अब अगर हाँ ये कुंडली सही है तो सीधे हाथ तरफ साउंड बॉक्स से बजते रहते हैं, एक बात। दूसरी बात, सीधे हाथ तरफ रहने वाला जो पड़ोसी है उसके यहाँ मिट्ठू पले हैं, तोता पले हैं, चिड़िया पली हैं, पशु पक्षियों के बड़े शौकीन है वो, ऐसा है क्या? मिट्टू है सर। क्या बात है। अब इनकी मतलब कुंडली अभी जी अभी सितंबर 23 में बच्ची का जन्म हुआ है और अपन को उसकी कुंडली बता रही कि बगल वाले के यहां मिट्ठू पले हैं, जी ठीक है। ये बच्ची रात में चौंकती है बहुत, क्या ऐसा है? हाँ, कभी कभी चौंकती है। हाँ मतलब चौंकती है। इसको सर्दी की शिकायत ज्यादा रहेगी और पेट की शिकायत रहेगी, जी गुरुदेव, इसका ध्यान रखिए। कुंडली सही है, क्या जानना चाहते हैं? अभी इसको थोड़ी सा डॉक्टर ने प्रॉब्लम बताया है हार्ट में, तो क्या करें क्या मतलब, वो डॉक्टर ने बोला है कि इसको इमिजिएटली दिखाना पड़ेगा आपको ले जाके बाहर। आप कहीं दिखा लें, पर आपकी बेटी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी आप दिखा लें, हम मना नहीं करते। हर हर डॉक्टर का या हर बुद्धिमान व्यक्ति का हम आदर करते हैं, परंतु गलती या मिस्टेक या अनुभव में कमी किसी से भी हो सकती, हमसे भी, डॉक्टर से, किसी से भी। जी जी आप जी लाइव में किसी डॉक्टर का नाम कोड मत करिए, किसी का नाम मत बोलिए, हमें नहीं पूछना, जी परंतु हम ये बताते हैं कि डॉक्टर का अनुभव ठीक नहीं है। अपन ने दो डॉक्टरों को दिखा दिया। आप दिखा लीजिए, आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट में ले जाकर दिखाइए, हार्ट की प्रॉब्लम तो इसको नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लाख संकटों के बाद आपकी बेटी स्वस्थ रहेगी और लंबी चलेगी। धन्यवाद गुरु जी। हाँ, नहीं, धन्यवाद की बात नहीं, जो भगवान ने और भाग्य ने जो दिया है वो आयु की बात हम कर रहे हैं। इनकी कुंडली के अनुसार इनको पेट की तकलीफ रहेगी, कफ कोल्ड की तकलीफ रहेगी, कफ कोल्ड के चलते हार्ट की समस्या बता दी हो ये और बात है, परंतु हमारा अनुभव कुछ और है, हम कुछ और ज्यादा बोलना नहीं चाहते। आप कहीं बाहर ले जाकर एक बार दिखा लीजिए, ठीक है गुरु ठीक जी, है? परंतु आपकी बेटी को ऐसा कुछ नहीं है। किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केन्द्रौ बृहस्पति पाराशर मुनि त्रिकालज्ञ थे, वह लिख गए हैं, सारे विपरीत ग्रह क्या करेंगे अगर केंद्र में गुरु बृहस्पति है। तो आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगी रहेंगी 28 साल की उम्र तक, परंतु हेलो परंतु आपकी बेटी को ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये कुंडली सही है तो ऐसा ही होगा, ठीक है? ठीक है गुरुदेव। आप किसी दूसरी जगह पर दिखा लीजिए, निश्चिंत रहिए, कुछ भी नहीं निकलेगा। जब कुछ भी ना निकले तो भोले बाबा का अभिषेक कर देना, कहना पंडित विनोद दुबे जी ने कहा था, हर हर महादेव, ठीक? अरे आप रोइए नहीं, निराश मत होइए। देखिए, रोने गाने से कुछ हल होगा नहीं, हल होगा देखने से, दिखाने से, डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने से। आप चेक करा लीजिए, परंतु ये ब्राह्मण का आशीर्वाद है, छोटी बच्ची है, उसको कोई समस्या निकलेगी नहीं।